25वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत शुक्रवार को रीजनल कॉलेज डेमोंस्ट्रेशन स्कूल परिसर में सड़क दुर्घटना में घायल का प्राथमिक उपचार कैसे किया जाए, इस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। पारसमल खासगीवाला ट्रस्ट और रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो के तत्वावधान में डॉक्टर मीनल खासगीवाला ने दुर्घटनाग्रस्त मरीज की सही देखभाल और एम्बुलेंस में शिफ्ट करने के सुरक्षित तरीके बताए। किस तरह श्वास नली में रुकावट और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर से मेरुदंड की चोट से बचा जा सकता है। कार्यशाला के दौरान MN टंडन ट्रस्ट द्वारा निर्मित फिल्म आखिर कब तक भी दिखाई गई। कार्यशाला में स्कूल की कक्षा 9 और 10 तक के 54 विद्यार्थियों ने और 10 टीचर्स को लाभान्वित किया गया। बच्चों को डमी पर डेमोंस्ट्रेशन देकर प्राथमिक उपचार की विधि बताई गई। इस मौके पर रोटरी क्लब मेट्रो के अध्यक्ष सुभाष चांदना, सचिव दीपक अग्रवाल, अभिनाश बुच सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। आज बच्चों को ये सिखाया कि किस तरह से अगर एक्सीडेंट हो गया है तो उसके फ्रैक्चर को, उसके स्पाइनल कॉर्ड को और उसके हेलमेट को कैसे निकाला जाए और उसके स्पाइनल कॉर्ड को किस तरह से बचा के और सुरक्षित ढंग से सीधे रख के शिफ्ट किया जाए। और दूसरा ये बताया कि अगर एम्बुलेंस में या एम्बुलेंस के वेट करते हुए अगर उसका जो श्वसन तंत्र है या सांस लेना वो बंद कर दे तो किस तरह से उसको कृत्रिम श्वास दी जाए और किस तरह से अगर हार्ट काम करना उसके सामने ही बंद कर दे और मरीज बेहोश हो जाए तो चेस्ट कंप्रेशन दे के हृदय को किस तरह से चालू रखा जाए। इस तरह से हम चार या पाँच मिनट तक अगर मरीज की पहले मदद करें, एम्बुलेंस की वेट ना करें, तो मरीज के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई अध्ययनों से ये पता हमें बताया गया है कि अगर हम किसी की मदद या चेस्ट कंप्रेशन या कृत्रिम श्वास नहीं दें तो हर मिनट अगर हम उसकी मदद नहीं करें तो 10% चांस कम हो जाता है उसके बचने का। तो 5 या 10 मिनट तो अमूमन एम्बुलेंस को आने में लगते ही हैं। अगर हम 5 मिनट की देरी कर देते हैं तो 50% चांस कम हो जाते हैं मरीज के बचने के। 25वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान बच्चों से लेकर बड़ों तक को यातायात नियमों की जानकारी मिले, इसी सोच को लेकर रोजाना यातायात और परिवहन महकमे द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को पटेल मैदान में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह की रिहर्सल करने आए बच्चों के लिए क्विज और स्लोगन प्रतियोगिता कराई गई। पुलिस उपाधीक्षक यातायात राजेंद्र सिंह राव ने बताया कि स्कूली बच्चों में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी बढ़े, इसी उद्देश्य को लेकर बच्चों के साथ यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। विजेताओं को 22 जनवरी को क्लोजिंग सेरेमनी में पुरस्कृत किया जाएगा। सप्ताह का दूसरा दिन है, इसके उपलक्ष्य में बच्चों की क्विज प्रतियोगिता, उसमें सड़क सुरक्षा के संबंध में क्वेश्चंस दिए हुए, उनकी क्वेरी क्विज प्रतियोगिता और एक स्लोगन लिखने की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद एक कमेटी द्वारा इनकी जांच की जाएगी, जो भी बच्चा उत्कृष्ट होगा ऊपर 1, 2, 3 उनको 22 तारीख को क्लोजिंग सेरेमनी के दिन इनाम दिया जाएगा। इसका पर्पज़ ये है कि इससे बच्चों में जागरूकता आवे, यातायात के जो नियम हैं वो उनकी जानकारी में आवे, क्योंकि देश के बड़े बड़े होकर इनको भावी नागरिक बनना है। तो एजुकेशन शिक्षा समझ लो आप, यातायात सुरक्षा के सप्ताह में यातायात संबंधी जानकारी देने के लिए मेन रूप से क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। माकड़वाली रोड स्थित वृंदावन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने शहर को स्वच्छ व सुंदर रखने के साथ प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने के लिए रोड शो के माध्यम से संदेश दिया। विद्यार्थियों ने नाटक के माध्यम से बताया कि कचरे को कचरा पात्र में ही डालें, पॉलिथीन कैरी बैग का उपयोग ना करें, जूट कपड़े और कागज के बैग्स का उपयोग करें, अपने आसपास खड्डों में पानी जमा ना होने दें, क्योंकि उत्तम नागरिकता से ही स्वच्छ एवं स्वस्थ शहर का निर्माण हो पाएगा। कार्यक्रम संयोजक लायन प्रकाश जैन ने बताया कि विद्यार्थियों द्वारा यातायात नियमों के पैम्पलेट्स भी वितरित किए गए। इस अवसर पर लायन क्लब रोशनी के पदाधिकारी और स्कूल स्टाफ मौजूद था। हम उनका उपयोग में लेके उन्हें फेंक देते हैं, फिर हमारे मेजबान पशु उन्हें खाते हैं, उनके पेट में ऐसी बीमारियां होती है उनकी जान पर बनाती है, कभी सोचा उनके बारे में? हाँ, और ये पॉलिथीन होती भी तो कितनी सुंदर है, फिर हम इनका उपयोग क्यों ना करें? देखा, तुम्हें इनकी सुंदरता तो दिखाई देती है पर इनके उपयोग से होने वाले नुकसान नहीं दिखाई देते? नुकसान? भाई कैसा नुकसान? नुकसान पशुओं की जान का नुकसान, इनको चलाने पर जो गैस निकलती है उससे इंसानों का नुकसान, इंसानों को सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो नुकसान, और
और कागज के बैग यूज करें। ये अगर हम इसे यूज करेंगे तो फिर इस जगह की बर्बादी होगी, और अगर हम इसे यूज करें तो फिर इस जगह को नुकसान होगा, और गाय अगर इसे खा ले तो फिर वो भी मर। आज यहाँ वृंदावन पब्लिक स्कूल के बच्चे शहरवासियों को ये संदेश देने आए हैं कि अपना शहर स्वच्छ रखें, सुरक्षित रखें, और अजमेर को गंदा ना करें, कचरा पात्रों में ही डालें, पॉलीथिन का यूज ना करें, और आना सागर को बचाएं, आना सागर को प्रदूषित होने से बचाएं। धन्यवाद। ये रैली हमने गांधी भवन चौराहे से क्लॉक टावर चौराहे, शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर कर रहे हैं, और एक रोड शो की तरह नुक्कड़ नाटक जगह जगह कर रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार पूरे राजस्थान के अंदर जो एक मुहिम चलाई गई है कि शहरों को स्वच्छ रखा जाए, इसी क्रम में अजमेर शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के क्रम में आज यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंदर स्कूली छात्र वृंदावन स्कूल के छात्रों छात्राओं ने बहुत ही अच्छे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पूरे शहरवासियों को जागरूक किया है कि अजमेर शहर को किस तरह से स्वच्छ एवं स्वस्थ रखा जाए। इन बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर स्लोगन्स लिखे हैं, पोस्टर्स बनाए हैं, और जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो दिया है कि किस तरह से हमें पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना है, पॉलीथीन के को किस तरह से बचा करके और शहर को सफा रखा जाए।